नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है भक्तिन। इस कहानी में लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के जीवन में आए उतार चढ़ाव और उसके स्वभाव के बारे में बताया है। साथ ही लेखिका ने यह भी बताया है कि भक्तिन एक ऐसी जुझारू महिला थी जिसने अपने जीवन के संघर्षों से कभी हार नहीं मानी और अपना सारा जीवन अपने आदर्शों और अपने ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही जीवन जिया। इस कहानी की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती है कि भक्तिन छोटे कद और दुबले पतले शरीर वाली बहुत ही सादगी पूर्ण जीवन जीने वाली महिला थी। जिस प्रकार पवन पुत्र हनुमान बिना थके दिन रात राम जी की सेवा करते थे, ठीक उसी प्रकार भक्तिन भी लेखिका की खूब सेवा करती थी। जब भक्तिन पहली बार लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे लक्ष्मी नाम से पुकारे। लक्ष्मी के गले में कंठी माला और उसका स्वभाव देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। भक्तिन नाम सुनकर वह बहुत खुश हो गई। लेखिका महादेवी वर्मा ने इस कहानी को चार भागों में बांटा है। इस कहानी के सबसे पहले भाग में लेखिका ने भक्तिन के जन्म और उसकी शादी के बारे में बताया है। भक्तिन इलाहाबाद के झूसी गांव के एक गौपालक की इकलौती बेटी थी। केवल 5 साल की उम्र में उसका विवाह हंडिया गांव के एक संपन्न गौपालक के पुत्र से हुआ, लेकिन छोटी उम्र में उसकी मां की मृत्यु के बाद उसकी सौतेली मां ने महज 9 साल की उम्र में उसका गौना करवा दिया, मतलब उसे उसका ससुराल भेज दिया। भक्तिन की शादी के बाद भक्तिन के पिता बीमार रहने लगे थे और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन भक्तिन की सौतेली माँ ने भक्तिन को उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसे नहीं दिया और भक्तिन की सास ने भी उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसे सीधे तो नहीं बताया, लेकिन उसने किसी बहाने से भक्तिन को मायके भेज दिया। अपने पिता से मिलने की आस में जब भक्तिन अपने मायके पहुंची तो वहाँ अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वह बहुत दुखी हो गई। इसके बाद जब भक्तिन वापस अपने ससुराल पहुंची तो उसने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। इस कहानी के दूसरे हिस्से में लेखिका ने भक्तिन के शादीशुदा जीवन के बारे में बताया है। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया जिस कारण उसे अपने परिवार वालों खासकर जेठानी और सास की उपेक्षा को सहन करना पड़ा था, क्योंकि जेठानी के 2 बेटे थे। उन दिनों समाज में बेटियों को अहमियत नहीं दी जाती थी। भक्तिन और उसकी बेटियों के साथ हर चीज में भेदभाव किया जाता था। जहां जेठानी के बेटों को दूध मलाई और अच्छा भोजन दिया जाता था, वहीं भक्तिन की बेटियों को मोटा अनाज खाने को दिया जाता था। भक्तिन के पति को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा भक्तिन के खिलाफ उकसाया जाता था, लेकिन भक्तिन का पति भक्तिन को बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उनके बहकावे में नहीं आता था। भक्तिन अपने बाग बगीचों खेत खलियानों के साथ साथ जानवरों की भी देखभाल करती थी। भक्तिन ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया था, लेकिन इसके बाद महज 36 साल की उम्र में ही भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद तो भक्तिन पर दुखों का पहाड़ टूट गया, लेकिन उसने किसी तरह अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी और अपने बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास रखा। दुर्भाग्यवश बड़ी बेटी के पति का देहांत हो गया और बड़ी बेटी विधवा हो गई। इसके बाद परिजनों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह भक्तिन की जेठ के बड़े बेटे के तितरबाज साले से करवाना चाहा, जिससे उसने मना कर दिया। लेकिन फिर एक दिन वह तीतरबाज भक्तिन की बेटी के घर में घुस गया। उस समय भक्तिन घर में नहीं थी। हालांकि भक्तिन की बेटी ने उस तीतरबाज को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन यह बात गांव में फैल गई। फिर पंचायत बुलाई गई और दोनों का विवाह कराने का आदेश दे दिया गया। भक्तिन और उसकी बेटी को ना चाहते हुए भी पंचायत का यह फैसला मानना पड़ा। शादी के बाद उस तीतरबाज दामाद ने धीरे धीरे भक्तिन की सारी संपत्ति उड़ानी शुरू कर दी, जिस कारण भक्तिन की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई और एक बार तो लगान नहीं देने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में खड़ा किया
तो भक्ति ने इसे अपना अपमान समझकर गांव छोड़ दिया और फिर वह लेखिका के घर आकर उनकी सेविका बन गई। इस कहानी के चौथे हिस्से में लेखिका कहती है कि भक्तिन की वेशभूषा किसी सन्यासिन की तरह थी, लेकिन साथ ही वह गृहस्थिन भी थी। वह बहुत ही नियम धर्म से चलने वाली महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर नहाती थी और लेखिका को बिल्कुल गांव के घर के जैसे ही खाना बनाकर खिलाती थी। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और स्वामी भक्त थी। लेखिका की सेवा करना ही अब उसका एकमात्र धर्म बन गया था। वह लेखिका के घर में भी पूर्ण रूप से अपने गांव के घर के संस्कारों का पालन करती थी। लेखिका अगर देर रात तक काम करती थी तो वह कंबल बिछाकर नीचे फर्श में बैठकर लेखिका के साथ रात भर जागती रहती थी और लेखिका को किसी भी चीज की जरूरत होती थी वह खुशी खुशी लाकर उन्हें दे देती थी। स्वतंत्रता आंदोलनों में भी भाग लेने के कारण लेखिका की जेल जाने की संभावना बनी रहती थी, लेकिन भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी। फिर भी वह लेखिका की सेवा करने के लिए जेल जाने को भी तैयार थी। वह कहती थी कि जहाँ मेरी मालकिन रहेगी मैं भी वहीं रहूंगी, फिर चाहे वह काल कोठरी ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि वह लेखिका को छोड़कर अपनी बेटी और दामाद के साथ जाने को भी तैयार नहीं थी। इस कहानी के अंत में भक्तिन और अपने बेहतरीन तालमेल के बारे में लेखिका कहती है कि मैं ऐसी स्वामी भक्त सेविका को खोना नहीं चाहती हूँ। तो दोस्तों, यह पाठ यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।